अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ चिकन मैगी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही यम्मी, टेस्टी और डिलीशियस बनती है चिकन के साथ। इसमें चिकन डालने का ये रीज़न है कि आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, साथ ही में इसमें मैंने वेजिटेबल्स यूज़ किया है और मैगी को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस भी ऐड किए हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, हाँ, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए 2 मिनट वाली मैगी है। इसे बनने के लिए आपको 10 मिनट्स तो लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, साथ ही में हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तो हम इसमें 1 कप बोनलेस चिकन डाल देंगे और हम इसे ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसे मैंने बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, इसकी वजह से चिकन है ना, वो जल्दी से पक जाते हैं। तो ये देखिए, चिकन का जब कलर जैसे चेंज हो जाए ना, तो अब हम इसमें 1/2 कप अनियन ऐड कर देंगे, जो कि मैंने बारीक कट कर ली है, और इसे मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ अच्छे तरह से। और अभी मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून। इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें हम थोड़ा सी ही सॉल्ट ऐड करेंगे। हमें सॉल्ट ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और इन्हें ना अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आगे हम इसमें मैगी मसाला भी ऐड करेंगे, तो उसमें भी सॉल्ट होता है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम 1/4 कप इसमें कैरेट्स ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है। और साथ ही में कैप्सिकम, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया था, तो यहाँ पर मैंने पहले 1 कप पानी ऐड किया और मैंने मैगी ऐड कर दी है। और जब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें 1/2 कप पानी और ऐड किया था। तो टोटल इसमें 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया है। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी हम इस स्टेज पे जो मैगी मसाला आता है उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैगी मसाले के साथ। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दिया है। साथ ही में मेरे पास कुछ मोज़रेला की चीज़ था रखा हुआ घर पे, तो मैंने वो ऐड कर दिया। अगर आपके पास स्लाइस चीज़ हो, कोई भी प्रोसेस चीज़ हो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और इसे ढक देंगे और इसकी लीड लगाने के बाद हम सिर्फ चीज़ को मेल्ट होने देंगे। जब हमारा चीज़ इस तरह से मेल्ट हो जाएगा, और हमारी मैगी तो वैसे भी बन चुकी है, तो हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है। वाह, कितनी अच्छी लग रही है। साथ में हम थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मैगी की रेसिपी पसंद आई होगी, चिकन चीज़ मैगी। और ना, ये सच में मानिए बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है अगर आप इस तरह से बनाओ तो। और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।